हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलके जो मूवी देखेंगे वो अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10 और मूवी का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रेंड्स एंडी जुफरिन को, जो कि एक बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसने कि काफी कम उम्र में ही बहुत तरक्की हासिल की होती है, पर इसके ऊपर अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल का आरोप होता है। सारे एविडेंसेस के आधार पर इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब इसे ऐसी जेल में लाया जाता है जो काफी बड़े गुनाहगारों के लिए है। यहाँ ऐसे ऐसे कैदी हैं जो बचपन में यहाँ आए थे और इन्हें अब 30-40 साल और कईयों को तो पूरी जिंदगी हो गई यहाँ सजा काटते काटते। जब वो आए थे तब बाहर की काफी दुनिया अलग थी। उनके बाहर जाने तक तो उन्हें अब ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में ही वो वापस आ गए हों। इस जेल का नाम है शॉशैंक। ये कहानी मेन तीन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। एंडी जुफरिन, जो कि बैंकर है, एली, जिसे अब सारे रेड कह के बुलाते हैं, जिसे इस जेल में लगभग 20 साल हो चुके हैं, और तीसरा आदमी है नॉर्डन, जो कि इस जेल का वार्डन है। इस जेल में रूल्स को ना मानने पर कैदियों को काफी पीटा जाता है और कई बार तो कोई मर भी जाता है। एंडी जुफरिन को जब यहाँ लाया गया तो कई दिनों तक उसने किसी से बात भी नहीं की, वे बस चुपचाप सा रहता। फिर काफी दिनों बाद उसने रेड से थोड़ी थोड़ी बात करना स्टार्ट किया। रेड यहाँ के कैदियों के लिए बाहर से चीजें उपलब्ध करवाता था, मींस किसी भी कैदी को बाहर से कोई वस्तु चाहिए तो वो पैसे लेकर उनको वस्तुएं बाहर से मंगवा देता था। एंटी एक दिन रेड को हथौड़ी लाने को कहता है। रेड पूछता है, तुमने हथौड़ी से क्या करना है? वो कहता है, कुछ भी करना हो इससे तुम्हें क्या, तुम ला दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो कहता है कि क्या तुमने किसी का यहाँ सर फोड़ना है? एंटी कहता है, यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। रेड तीन आदमियों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जल्दी बन जाएंगे, उन तीनों की बुरी नजर है तुम पर। वो किसी से जोर जबरदस्ती करने से पीछे नहीं हटते। रेड पूछता है कि क्या तुमने हथौड़ी से सुरंग तो नहीं बनानी? एंडी कहता है, जब हथौड़ी आएगी तुम खुद समझ जाओगे, क्योंकि हथौड़ी का साइज बहुत ही छोटा था। और साथ में एक एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर भी मंगवाता है अपने रूम की दीवार पर लगाने के लिए। जेल में वैसे तो कुछ भी मंगवाना पॉसिबल नहीं होता, पर रेड पिछले 20 साल से यहाँ है, इसलिए उसके जेल में काफी लिंक्स हैं और वे सबको उनकी जरूरत की चीजें मंगवा देता है। रेड कहता है, हथौड़ी मंगवाने के मैं $10 कीमत से ज्यादा लूंगा, पर वैसे तुम अपने पैसे खराब कर रहे हो, यहाँ समय समय पर चेकिंग होती रहती है, तुम्हारी हथौड़ी पकड़ी जाएगी। एंडी कहता है, मुझे पत्थरों को तराशने का शौक है, मैं अब ये शौक अब दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। उसे रेड वो हथौड़ी ला देता है। हथौड़ी को देखकर वैसे रेड भी मन ही मन हंसता है कि इस हथौड़ी से तो सुरंग बनने में 600 साल लग जाएंगे। असल में ये छोटी सी हथौड़ी होती है पत्थर तराशने के लिए। एंडी के ऊपर वो तीन आदमियों की नजर होती है। मौका मिलते ही वे उसे मारते पीटते और उसका शोषण करते हैं। ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहता है। एंडी ने उनकी शिकायत किसी से नहीं की, किसी को बताया भी नहीं। शायद ये सिलसिला और आगे चलता, पर एक दिन वार्डन ने सबको बुलाया और कहा कि मुझे छत की मुरम्मत के लिए 12 लोगों की जरूरत है जो ये काम करना चाहते हैं, अपना नाम किसी पर्ची पर लिख कर दे दें, हम चुन लेंगे। 100 लोग अपना नाम लिख के देते हैं और उनमें से 12 लोग चुने जाते हैं, जिनमें रेड, एंडी और उनके साथी होते हैं। असल में रेड ने वहाँ के स्टाफ को सिगरेट रिश्वत में दी थी ताकि वो लोग इन्हें चुन लें। अब ये लोग 12 लोग जब छत पर काम करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स इन पर पूरी निगरानी रखते हैं, और इनका हेड होता है जो कि काफी स्ट्रिक्ट होता है और उसका नाम है हेडली। आज वो काफी परेशान होकर अपने दोस्त को बता रहा था कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं, वो सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। एंडी और उसके साथी ये बात सुनते हैं, तभी एंडी उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें अपनी बीवी पर विश्वास है? वो गुस्से से एंडी को घसीटता हुआ छत पर ले जाकर उसको फेंकने लगता है। तभी एंडी कहता है, अगर तुम ये सारा पैसा अपनी वाइफ के नाम कर दो तो ये सारा पैसा बच सकता है। गवर्नमेंट लाइफ में एक बार $60,000 का गिफ्ट देने की परमिशन देती है अपनी वाइफ को। उसके लिए तुम्हें वकील करना पड़ेगा जो कि तुमसे फीस लेगा, पर मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, बस तुम मेरे दोस्तों को फीस के बदले में ठंडी ठंडी बियर दे देना। अगले दिन उसके दोस्त बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं, पर एंडी खुद बिल्कुल भी
बियर नहीं पीता क्योंकि वो ये सब तो छोड़ चुका था। रेड और एंडी में अब दोस्ती होने लगी है। रेड एंडी से पूछता है, तुमने अपनी बीवी का खून क्यों किया? एंडी कहता है, मैंने नहीं किया। वो रेड से पूछता है कि तुमने क्या किया? वो भी बताता है कि उसने भी खून किया है। एक दिन सारे कैदी एक जगह बैठकर मूवी देख रहे थे। एंडी मूवी नहीं देखता और बाहर चला जाता है। ये सेम ही मूवी इनको बार बार दिखाई जाती थी। एंडी बाहर जाता है तो उसे वही तीन गुंडे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती फिर उस रूम में ले जाते हैं जहां मूवी के रोल चेंज किए जा रहे थे। उस आदमी को वो लोग बाहर भेज देते हैं। एंडी अपने आप को बचाने के लिए छुप जाता है पर दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और तीसरा उसे बुरी तरह मारता है। एंडी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे फिर एक महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और जिस आदमी ने एंडी को इतनी बुरी तरह से मारा था उसे एक हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। काल कोठरी से जब वो बाहर आता है तो हेडली, जिसका एंडी ने टैक्स बचाया था, उस गुंडे को इतना पीटता है कि वो चलने लायक भी नहीं रहता। एक दिन वार्डन, जो जेल का सबसे बड़ा अधिकारी है, एंडी के सेल में आता है चेकिंग करने के लिए। एंडी के हाथ में बाइबल होती है। वो वार्डन भी ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है और वो कई श्लोकों के बारे में एंडी से बात करता है और फिर बाइबल ले जाता है। चेकिंग के दौरान उन लोगों को सेल में कुछ नहीं मिलता, वो हथौड़ी भी नहीं। वहाँ वो एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर देखता है, कहता है यहाँ ये सब अलाउड नहीं है पर कभी कभी अनदेखा किया जा सकता है। फिर वार्डन वापस आता है और एंडी को उसकी बाइबल वापस करता है और कहता है मुक्ति इसी में है। वार्डन को हेडली ने एंडी के इंटेलिजेंट होने के बारे में बताया था, इसीलिए वो उसके साथ थोड़ा सा नरम व्यवहार कर रहा। फिर वार्डन एंडी को बुलाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें लॉन्ड्री का काम करना आता है? पर एंडी कहता है कुछ खास नहीं। फिर वार्डन एंडी को लाइब्रेरी में भेज देता है। वहाँ लाइब्रेरियन बूढ़ा आदमी होता है। एंडी को उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है। अब हर साल कई ऑफिसर्स एंडी से अपनी ITR यानी टैक्स रिटर्न भरवाने आते हैं और हर साल इन लोगों की गिनती बढ़ती जाती है। अब ITR का काम इतना बढ़ गया कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी और वो असिस्टेंट बना रेड। उधर एंडी देखता है कि लाइब्रेरी की हालत काफी खराब है। कोई नई बुक्स भी नहीं है, इसी कारण कोई वहाँ आता भी नहीं। वो वार्डन से नई बुक्स मंगवाने के लिए बात करता है कि लाइब्रेरी के लिए कुछ फंड्स की जरूरत है। वार्डन मना करता है क्योंकि सरकार इसके लिए कोई फंड नहीं देती। एंडी कहता है मैं सरकार को लेटर लिखना चाहता हूँ, फंड्स की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वार्डन कहता है तुम चाहते हो तो लिख लो, वैसे इससे कोई फायदा नहीं होगा पर मैं तुम्हारी लेटर पोस्ट जरूर करवा दूंगा। फिर एंडी कई महीनों तक हर हफ्ते गवर्नमेंट को लेटर लिखता रहता है। फिर हम देखते हैं वो लाइब्रेरियन, जो बूढ़ा आदमी है, एक आदमी के गले पर चाकू लगा देता है और उसका खून करना चाहता है ताकि वो जेल से बाहर ना जाए। असल में फ्रेंड्स, उसको यहाँ 50 साल हो चुके थे। अब उसकी सजा खत्म हो गई थी पर 50 साल में बाहर की दुनिया उसके लिए टोटली डिफरेंट हो गई, तो वे खून करके फिर इस जेल में ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता था क्योंकि जेल ही अब उसका जीवन था। जब वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को मारने लगता है तो वहाँ एंडी, रेड और उसके साथी आ जाते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी को बहुत समझाते हैं ताकि वो इस आदमी को छोड़ दे। आखिर वो उसे छोड़ देता है। अब जब वे बूढ़ा आदमी जेल से बाहर जाता है तो बाहर की दुनिया उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वे जाकर सुसाइड कर लेता है। उधर एंडी के लगातार लेटर लिखने के कारण सरकार उसे जेल के लिए $200 और कुछ किताबें भी भेजती है और साथ ही कहते हैं अब हमें लेटर लिखनी बंद कर दो। फिर एंडी उस लाइब्रेरी के नाम पर गंदे से कमरे को न्यू इंग्लैंड की जेल्स की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी बना देता है। अब वहाँ कैदी आकर बुक्स पढ़ते हैं और उन्हें म्यूजिक भी सुनने को मिलता है। अब वार्डन एक प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें इन कैदियों को बाहर ले जाया जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा। एक तो कैदियों को मेहनत करने की आदत पड़ेगी और कुछ पैसे भी कमाएंगे और बाहर वालों को सस्ती लेबर मिल जाएगी। सस्ती लेबर के कारण काफी कॉन्ट्रैक्ट्स वार्डन को मिल जाते हैं और वो काफी नोट बना लेता है। अब वार्डन के पास काफी ब्लैक मनी है और वो एंडी को इस ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए कहता है और एंडी एक प्लान बनाता है जिसमें वार्डन का एक पार्टनर शो किया जाता है जिसका नाम है रेंडल स्टीवन। पर असल में इस नाम का कोई भी आदमी नहीं होता और वो इस नाम के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो नकली आदमी को
असली बनाकर शो करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी पकड़े भी गए तो पुलिस इस असली नाम के नकली आदमी को पकड़ेगी जो कि असल में है ही नहीं, और पुलिस ढूंढती रह जाएगी। फिर जेल में एक यंग लड़का आता है जो कि चोर होता है, उसका नाम है टॉम विलियम, और वो एंडी के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी बीवी और बच्ची भी होती है और अब वो सुधरना चाहता था। एंडी उसे पढ़ाने लगता है और वो लड़का रेड से कहता है कि एंडी तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो जेल में क्या कर रहा है। रेड बताता है कि उसने अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का खून किया था। फिर विलियम को सोचने लगता है और उनको एक बात बताता है कि आज से 4 साल पहले मैं एक जेल में था जहाँ एक कैदी ने मुझे बताया था कि एक बार मैं चोरी कर रहा था, चोरी के दौरान घर का मालिक जाग गया और मैंने पिस्टल से उसकी और उसकी बीवी को मार दिया। बाद में पता चला कि ये औरत किसी और की बीवी थी, किसी बहुत बड़े बैंकर की। बाद में उस बैंकर पर इन दोनों के खून का इल्जाम आ गया और वो जेल चला गया। ये सुनने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और सारी टॉम वाली बात उसको बताता है और कहता है सच में मैंने अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का खून नहीं किया। वार्डन उसकी बात नहीं मानता या जानबूझ के मानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी सारी ब्लैक मनी का हिसाब एंडी रख रहा था। और एंडी कहता है मैं बाहर जाकर भी तुम्हारी ब्लैक मनी का किसी को नहीं बताऊंगा। असल में इनडायरेक्टली ये उसने वार्डन को धमकी दी थी। वार्डन गार्ड्स को बुलाकर एंडी को काल कोठरी में बंद करवा देता है। वैसे काल कोठरी में किसी भी कैदी को 1 हफ्ते से ज्यादा की सजा नहीं सुनाई जाती थी, पर उस दिन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद किया गया, जो कि बहुत ज्यादा था। अब धीरे धीरे एंडी की बेगुनाही के बारे में बाकी कैदियों को भी पता लग रहा था। एंडी 19 सालों से उस गुनाह की सजा भुगत रहा था जो उसने किया ही नहीं। एक रात वार्डन टॉम को अपने पास बुलाता है और बड़े प्यार से पूछता है कि जो तुमने एंडी के बारे में बताया था क्या वो सच है। वो कहता है हाँ सब सच है। और वार्डन कहता है क्या तुम सारा सच कोर्ट में बताओगे। वो कहता है हाँ जरूर बताऊंगा। वार्डन कहता है बस मैंने यही पूछना था, और चला जाता है। तभी उसके गार्ड्स आते हैं और टॉम को गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। वार्डन एंडी के पास काल कोठरी में जाता है और बताता है टॉम ने जेल से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए मारा गया। एंडी सब कुछ समझ रहा होता है। वो कहता है अब मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा, तुम किसी और को ढूंढ लो। वार्डन कहता है काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। और गार्ड्स को कहता है इसे 1 महीना और काल कोठरी में बंद कर दो, सड़ने दो। इसके बाद हम देखते हैं एंडी बाहर बैठा होता है और काफी उदास सा लगता है। तभी रेड आता है। वो रेड से पूछता है क्या तुम इस जेल से कभी बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं तब, और शायद उस वक्त मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दे। यहाँ हम देखते हैं कि रेड ने होप ही छोड़ दी थी, उसने लाइफ से सारी एक्सपेक्टेशंस ही खत्म कर दी थी। पर एंडी कहता है मैं अगर कभी बाहर निकला तो मैं जाऊंगा जुटैनो, ये मेक्सिको में है और लोग कहते हैं यहाँ जाकर इंसान खो जाता है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ बीच पर होटल खोलूंगा, कुछ नाव की मुरम्मत करूंगा और दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा मछली पकड़ने। एंडी कहता है पर मुझे वहाँ एक जुगाड़ू आदमी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बुरे से बुरे हालातों में भी होप को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बिना होप के जीने का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। पर रेड को उसकी ये बातें पसंद नहीं आती। रेड कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं जेल से बाहर जाकर कभी जी भी पाऊंगा, जेल ही मेरी हकीकत है। और वो एंडी को भी इस असली दुनिया की हकीकत एक्सेप्ट करने को कहता है। एंडी कहता है हाँ शायद तुम सही हो, मेरी भी यही सच्चाई है। अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो घुट घुट के जीऊं या मर जाऊं। और एंडी वहां से जाने लगता है और पर तभी रेड से पूछता है क्या मेरा एक काम करोगे। बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में पत्थर की दीवार और उसके उत्तर में एक पेड़ है। और रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम यहाँ से कभी भी बाहर निकले तो उस दीवार और उस मैदान को ढूंढोगे, और उस दीवार के पास एक काले रंग का खास पत्थर है जो तुम्हें अलग से ही नजर आ जाएगा। उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है, उसे तुम अपने पास रख लेना। रेड पूछता है वहाँ क्या दबा हुआ है। एंडी कहता है उसके लिए तो तुम्हें वहाँ जाना होगा। ये कहकर एंडी चला जाता है। उस रात रेड अपने साथियों से कहता है कि मुझे एंडी की फिक्र हो रही है, कहीं वो कुछ कर ना ले। वो कहते हैं दिन में तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं, पर रात को कैसे करेंगे। उसमें से एक आदमी कहता है कि एंडी आज मेरे पास आया था और मुझसे रस्सी ले गया। सब डर जाते हैं, उन्हें लगता है आज रात वो शायद अपने आप को फांसी लगा लेगा। दूसरे
दूसरी तरफ एंडी वार्डन का काम कर रहा होता है और काम खत्म करके सारे कागज तिजोरी में रखता है। वार्डन कहता है, मेरे कपड़े प्रेस कर देना और जूते शीशे की तरह चमका देना, और कहकर वहां से चला जाता है। आज रात रेड बहुत परेशान है, उसे बहुत डर है कि एंडी अपने आप को कुछ कर ना ले। और आज रात तूफान और बरसात भी बहुत हो रही थी, जो उस माहौल में और डर को पैदा कर रही थी। सुबह होती है, सेल्स के दरवाजे खुलते हैं, सभी कैदी बाहर निकलते हैं, उनकी अटेंडेंस लगती है पर एंडी नहीं आता। गार्ड एंडी को बाहर आने के लिए आवाजें लगाते हैं पर वहां से कोई नहीं आता। गार्ड गुस्से में एंडी के सेल में जाता है और हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वार्डन जूते पहनने के लिए डिब्बा निकालता है तो उसमें से उसके नहीं बल्कि एंडी के फटे पुराने जूते होते हैं। तभी सायरन बजता है, ये किसी के भागने पर बजता है। वार्डन गुस्से में एंडी के सेल में जाता है और कहता है, मुझे एंडी किसी भी हालत में आज ही चाहिए। फिर वहाँ रेड को बुलाता है और पूछता है, वो कहाँ है? रेड कहता, मुझे क्या पता। वार्डन पूछता है, क्या वो कोई भूत था जो अपने सेल से गायब हो गया और यहाँ छोड़ गया कुछ पत्थर और ये दीवार पर बड़ा सा पोस्टर? और वो पत्थर वो गुस्से से फेंकता है रेड पर, गार्ड्स पर, और एक पत्थर जोर से मारता है पोस्टर पर, पर वहां से पत्थर वापस नहीं आता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। जब वो पोस्टर हटाते हैं और देखते हैं वहाँ एक लंबी सी सुरंग जो एंडी ने बनाई थी, और वहीं से एंडी भाग गया। पर सबको समझ नहीं आ रहा था इतनी लंबी सुरंग कैसे बन सकती है। अब सारी टीम एंडी को ढूंढने वहां जाती है जहां से वो बाहर भागा होता है। वहां उनको एंडी के पुराने कपड़े, साबुन और हथौड़ी मिलती है, और यही वो छोटी सी हथौड़ी थी जो उसने जेल में आने के बाद रेड से मंगवाई थी 20 साल पहले। मींस 20 साल से एंडी इस छोटी सी हथौड़ी से अपने सेल में सुरंग बना रहा था। आप यहाँ याद कीजिए, रेड ने कहा था इस हथौड़ी से अगर कोई सुरंग बनाएगा तो उसे 600 साल लग जाएंगे, और एंडी ने सिर्फ 20 साल में ये नामुमकिन काम कर दिया। एंडी ने वार्डन के ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लिया था और अपनी बाइबल वार्डन की तिजोरी में रख दी थी। ये बात वार्डन को तब पता नहीं चली थी, और उस रात वार्डन ने उसे जो कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी ने उन्हें अपने कपड़ों के नीचे पहन लिया था और वार्डन के जूते पहनकर सेल में चला गया। वार्डन के साफ कपड़े और जूते पॉलीथीन में डालकर रस्सी का एक सिरा पॉलीथीन पर बांधा और दूसरा सिरा अपने पैर से बांध लिया था, क्योंकि अभी उसने बहुत बड़े गटर की पाइप से गुजरना था। उस दिन मौसम भी इसका साथ देता है, बिजली गरजने की आवाज के कारण इसके निकलने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वहां से निकलकर वो साफ पानी में नहाकर वार्डन के साफ कपड़े जूते पहनकर उन सब बैंकों में जाता है जहां वार्डन ने उस फेक आईडी रैंडल स्टीवन के नाम पर पैसा जमा करवाया होता है, क्योंकि जेल से ही उस फेक आदमी के सिग्नेचर एंडी खुद ही करता था और उसके पास इसलिए अब उसके सिग्नेचर और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि वो बैंक में से सारा पैसा निकलवा लेता है। इसके साथ वो वार्डन की वो किताब भी अपने साथ लाया होता है जिसमें वार्डन की ब्लैक मनी का सारा हिसाब होता है। ये किताब वो एक प्रेस को पहुंचा देता है। सुबह जब वार्डन वो अखबार देखता है तो जाकर अपनी तिजोरी खोलता है, वहां वो किताब की जगह बाइबल मिलती है। बाइबल का पहला पेज खोलता है तो लिखा था, डियर वार्डन, तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। आपको याद होगा 20 साल पहले वार्डन ने ये बाइबल एंडी के हाथ में देखी थी, और जब बाइबल को आगे खोलता है तो वहां हथौड़ी की शेप का एक आकार बना होता है। असल में वहां एंडी ने हथौड़ी छुपा कर रखी थी। उस वक्त 20 साल पहले भी हथौड़ी इसी में थी जब ये वार्डन के हाथ में थी, पर उस वक्त वार्डन ने ये बाइबल खोलकर नहीं देखी थी, नहीं तो शायद आज एंडी जेल से बाहर ना होता। वार्डन को पकड़ने पुलिस आने ही वाली थी कि वार्डन ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली। कुछ दिनों बाद रेड के नाम एक खाली पोस्ट कार्ड आता है, वहां कुछ भी नहीं लिखा था सिवाय एक एड्रेस के। लकीली रेड काफी देर से अपनी सजा माफ करवाने के लिए अर्जी दे रहा था, इस बार वो अर्जी मंजूर हो गई, उसकी सजा माफ कर दी गई। रेड अब बाहर कर नौकरी कर रहा था पर बाहर की दुनिया में उसका दिल नहीं लग रहा था। पर अचानक एक दिन उसे एंडी से किया अपना वादा याद आता है। वो उसी पार्क में जाता है, एंडी के बताए उस पत्थर को उठाता है तो वहां ऐसे उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर से एक एनवेलप मिलता है और उसके अंदर एक चिट्ठी
मिलती है और कुछ पैसे भी, जिसमें लिखा था, तुम्हें उस जगह का नाम याद है? जुटेनो, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छे आदमी की तलाश है। रेड फिर अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है उस जगह के लिए, और वहाँ पहुँचने पर देखता है एंडी नाव पर कुछ काम कर रहा होता है। रेड को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और फ्रेंड्स, यही होता है मूवी का एंड। और ये मूवी हमें यही मैसेज देती है कि हालात कितने भी तकलीफ दे हों, निराशाजनक हों, होप मत छोड़ो। होप किसी मिरेकल से कम नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।